हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ डुभाज टोन टैबलेट की। आज के वीडियो में ये टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट है, इसको डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको कब और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसका क्या प्राइस है, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइज, ये डुभाज टोन ने टैबलेट एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। इसका प्राइस है 754 रुपीज़। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये टैबलेट को डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी वो है जो महिलाएं बेबी को कॉन्सीव नहीं कर पा रही है, बेबी कॉन्सीव करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, उस कंडीशन में बेबी कॉन्सीव करने के लिए ये मेडिसिन का यूज लिया जाता है। गाइज, ये मेडिसिन प्रोजेस्टेरोन की कमी को भी पूरा करता है। गाइज, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन की कमी होने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, मिसकैरेज का कारण भी बन सकता है, आपके एग्स को इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करता है, इसलिए इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी फायदेमंद मेडिसिन है ये। दूसरा है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया उसे कहते हैं कि वुमेंस के पीरियड्स अवस्था में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, नॉन स्टॉप ही 15 से 20 दिन तक होती रहती है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन का यूज में लिया जाता है। तीसरा है अब नॉर्मली यूटीराइन। गाइज, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम ब्लीडिंग हो रही है जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, किसी किसी महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, उस कंडीशन में ये मेडिसिन का यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो गाइज, ये मेडिसिन को डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, किस पर्पज के लिए ले रही हो उसके अकॉर्डिंग ही इसका डोज लिया जाता है। बस आपको यही बात का ध्यान जरूर देना है कि आप इसे अगर ले रहे हो तो टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर दिन एक ही टाइम में आपको लेना है। इसे खाना खाने के बाद आप ले सकती हो। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसे लेने से नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, वजन का बढ़ना, वेस्ट में दर्द हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, तो ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसको किसको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। तो इसे 18 के अबव भी लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम में महिला ले सकती है, लैक्टेटिंग मदर को नहीं लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का असर बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।